बेटा अम्मी के पास जाओ। नहीं बेटा, अब्बू के पास ही रहो। बेटा जाओ ना अम्मी के पास। नहीं बेटा, अब्बू के पास ही रहना है। हैं? अजीब लोग हैं। वो अब्बू कह रही है, वो अम्मी कह रहा है, आखिर इनका रिश्ता है क्या? चलो पूछता हूँ चलकर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहो भाईजान कैसे हो? अल्लाह करम है, ठीक है मियाँ। आप सुनाइए। भाईजान मैं तो मजे में हूँ, मगर मुझे ये बताइए कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है, क्या मतलब? भाईजान मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों का क्या रिश्ता है? अबे मियाँ, ये हमारी बेगम है, बेगम है, और हम इनके शौहर हैं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, बेगम को शौहर से बोलने की तहजीब नहीं है और शौहर को बेगम से बोलने की तहजीब नहीं है। या क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आप ही तो बच्चे से कह रही थी, बेटे अब्बू के पास जाओ। ये बच्चे के अब्बू हैं या आपके? और आप भी कह रहे थे जाओ बेटा अम्मी के पास जाओ। क्या आपकी भी अम्मी लगती है? अरे नहीं मियाँ नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। तुम्हारा दोष नहीं है, पश्चिमी सभ्यता का असर है। ठीक है, बन जाओ एक दूसरे के अम्मी पापा। देश में अधिकतर लोग ऐसे ही बोलते हैं। अरे मियाँ कहाँ जा रही हो? क्यों क्यों दिखाई नहीं देता, अंधे हो? रास्ते में जा रहा हूँ। मैं मियाँ ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज मत हो आप। तो फिर कैसी बात है? अरे आप तो नाराज हो गए मियाँ, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। मियाँ हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त? दोस्त? हाँ। मेरे दोस्त? हाँ मियाँ तुम्हारे दोस्त। ठीक है, तो अब नाराज नहीं होऊंगा। बताओ बताओ क्या बात है? वह मियाँ वो ईख दिखाई दे रही है, वो जो सामने ईख है। हाँ दे रही है। तो एक काम करो भाई, तुम उसमें से एक गन्ना तोड़कर लाओ। तोड़ सकते हो एक गन्ना? तोड़ लूंगा। तोड़ लूंगा भाई। नहीं तोड़ सकते भाई, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। अभी तोड़ कर लाता हूँ। भाई आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। ये तो बात है, अब बता दो। ठीक है बता देते, मेरा नाम शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली? हाँ। बे खुदा कसम कितना प्यारा नाम है। बे जल्दी आना शेख जी। ठीक है जी, ठीक है जल्दी आ जाऊंगा। क्यों बे मियाँ के बच्चे, अबे ये गन्ना क्यों तोड़ा? शेख जी आज फंस गए बेटा, ये मारेगा जरूर, कोई युक्ति सोचो बचने की। गन्ना? यो गन्ना से? रे हाँ, तुझे दिखाई थोड़ी देता है। भाई चौधरी मने तो कुकर मारन लकड़ी तोड़ी से। गन्ने को लकड़ी बता रिया है, कहीं बाहर का लगता है। भाई चौधरी मने कोन्या बेरिया। मियाँ ये गन्ना है गन्ना। भाई चौधरी इसका क्या करते हैं? मियाँ इसे चूसते हैं, ये बड़ा मीठा होता है। अच्छा ला इधर। लो जी। लो मियाँ अब चूसो। भाई चौधरी लाकड़ी तो मीठी से, भाई दो और दे। लो मियाँ। लाओ जी लाओ। अच्छा चौधरी इब मैं चलता हूं, दूर जाना है। ठीक है। मा, 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 मा।
मैं मान गया शेख जी, मैं मान गया जी। तुम नू ही समझ रहे होंगे। भाई एक बात है मियाँ, आप तो छुपे रुस्तम निकले। भाई एक काम करो, आज से तुम हमारी टीम में शामिल हो गए, अब हमारे साथ रहना तुम। टीम? कैसी टीम? क्या काम करते हो आप? हमें धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। भाईजान, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, आपका निकाह हो गया? शेख जी निकाह भी हो गया, और अल्लाह के करम से 6 लौंडिया और 9 लौंडे भी है। अच्छा जी। हाँ। 15 बच्चे कुछ कम नहीं है? अबे अभी उम्र ही क्या। ठीक कहते हो, देश तरक्की करेगा, जरूर करेगा। और आपका? शेख जी अभी तो 8 बच्चे हैं। निकाह को कितना समय हो गया जी? यही कोई 5 साल। 5 साल? हाँ 5 साल। 5 साल में 8 बच्चे? अरे मियां तुमसे क्या छुपा है, 1 साल में 2 बच्चे होते हैं और 4 जोड़े निकाल चुका हूँ। वाह रे ऊपर वाले, तेरे भी खेल निराले हैं। तुम जैसे लोगों ने ही तो देश में महंगाई बढ़ा रखी है। बस चलो अब काम पर चलते हैं, समय हो लिया ना काम का। काम पर? हाँ काम पर। कौन सा काम है जिस पर हम जा रहे हैं? अबे वो ही चोरी। चोरी? हाँ चोरी। शेख जी हम लोग अब चोरी करने जा रहे हैं, यही हमारा काम है। शेख जी आप हंस क्यों रहे हो? अरे आप क्या चोरी करोगे, चोरी तो हमने की थी अपने जमाने में, नाम था इलाके में। अच्छा जी इतने बड़े चोर थे? हाँ जी, हमने अपने जमाने में बड़े गुल खिलाए थे। अरे मियाँ आप तो उस्ताद निकले। चलो अब देर मत करो। चलो जी चलो। अरे देखो वो औरत, चलो उसे पकड़ते हैं। बोलना मत वरना गोली मार दूंगा। अरे भाई कौन हो तुम? उतार कितना जेवर है तेरे पास, हम चोर हैं। चोर? ओ चोर। अरे भैया मैं तो कब से तुम लोगों के इंतजार में थी, मैं तो हर रोज रात में यहाँ आती हूँ। तू हमें ढूंढ क्यों रही थी? वो मैं जिस घर में रहती हूँ ना, उस घर से बहुत परेशान हूँ भैया, वो लोग मुझे बहुत दुखी रखते हैं। अच्छा। हाँ भैया, और ये तो कुछ भी जेवर नहीं, बहुत सारा तो घर पे रखा है। तुम चलो मेरे साथ, मैं वो जेवर भी ले आऊँ, और मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी रोटी कर दिया करूंगी भैया। बेचारी ज्यादा दुखी है, ले चलो मैं रख लूंगा इसे अपने पास। ठीक है शेख जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे सुन, तेरा निकाह शेख जी से करा देंगे, ठीक है? ठीक है जी, चलो मेरे साथ वो जेवर और ले ले हैं? चलो भाई। चलो जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम समझी है जी। समझी चलो। चलो। समझी समझी, समझी समझी, ओ समझी। तब नहीं समझी, अब समझी। पगलो 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 पग
के हवाले कर दो। अरे मेरा तो अच्छा निकाह हुआ। क्यों मियां, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हर रोज यहां आकर खड़े हो जाते हो। मैं तुम्हें 5-6 बार छोड़ चुका हूं, मगर इस बार नहीं छोड़ूंगा। इस बार सजा अवश्य मिलेगी। हुजूर, हुजूर गुस्तागी माफ करना, मैं तो यहां 10-15 दिन में ही आता हूं। हाँ हुजूर, मैं 10-15 दिन में आता हूं, मगर आप तो हर रोज आते हैं।